हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही सिंपल है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर का बैटरी कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट सेम है हर एक व्हीकल के लिए, वो आपका मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, विथ सेल्फ हो, विदाउट सेल्फ हो, या इवन कार के लिए भी ये जो प्रोसेस है और ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अभी ज़्यादा कुछ रिपेयर नहीं कर रहे हैं खुद से अपने व्हीकल में, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहला काम करना है आपको कि आपको अपने व्हीकल में अपने बैटरी का पोजीशन लोकेट कर लेना है। जनरली जो मोटरसाइकिल रहता है उसके साइड पैनल के अंदर में बैटरी रहता है, और जो भी स्कूटर होता है उसमें आपको बैटरी या तो फ्रंट में मिल जाएगा, या जहाँ पे आप पैर रखते हैं वहाँ पे आपका बोर्ड के नीचे बैटरी रहता है। जैसे कि एक्टिवा, प्लेजर, ये जितना भी इसमें फ्रंट रहेगा हीरो और होंडा के स्कूटर्स में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो एसएस है उसमें आपको नीचे में मिलेगा, फुटबोर्ड के नीचे में आपको मिलेगा बैटरी। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको बैटरी को लोकेट कर लेना है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि इस पैनल को मुझे ओपन कर लेना है। जैसे ही इस पैनल को ओपन मैं करूंगा मुझे बैटरी दिखने लगेगा। तो मैंने जैसे ही पैनल को ओपन किया, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बैटरी लोकेटेड है। तो सबसे पहली बात कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो बैटरी है अब यूजलेस हो चुका है, ओल्ड हो चुका है और इसे रिप्लेस करना चाहिए। तो जो भी इसमें मोस्टली व्हीकल में लेड एसिड बैटरी लगा रहता है, और ये जो लेड एसिड का जो लाइफ होता है वो होता है 1000 लाइफ साइकल्स। आप इसे 1000 टाइम चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो इसका लाइफ 3 to 4 ईयर्स होता है, और उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आने लगता है। कोई भी अच्छे ब्रांड का आप लेंगे तो वही इसका लाइफ 3 to 4 ईयर्स होता है, और अगर कम यूज़ करते हैं आप तो 5 to 6 ईयर्स ये चलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो यही इसका लाइफ रहता है। तो अब पता कैसे चलेगा, तो एक तो आप इसके लाइफ से पता कर सकते हैं कि हाँ ये इसका लाइफ 3 to 4 ईयर्स हो चुका है और अब इसमें प्रॉब्लम आने लगा है, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब सपोज़ आपने 2-3 दिन व्हीकल नहीं चलाया और उसके बाद आप सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोड नहीं ले रहा है, वो बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। फिर आप कुछ देर चलाते हैं उसे 20-30 किलोमीटर तो वो नॉर्मल हो जाता है, और फिर उसे ओवरनाइट आप रखते हैं तो मॉर्निंग में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सेल्फ का लोड नहीं लेता है। तो समझिए कि आपका बैटरी अब रिप्लेसमेंट मांग रहा है, उस केस में आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस केस में यहाँ पे इस स्कूटर में ये बैटरी कम्प्लीटली डेड हो गया है और इसका लाइफ अभी तक ये 4.5 ईयर्स इसका कम्प्लीट हो चुका है और ये कम्प्लीटली ओल्ड हो चुका है। उसके बाद जो बैटरी आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में लगा रहता है वो अलग अलग सीसी, अलग अलग मोटरसाइकिल में अलग अलग टाइप का लगा रहता है। किसी किसी मोटरसाइकिल में जिसमें सेल्फ नहीं रहता है तो उसमें 2.5 LB लगा रहता है, किसी में सेल्फ रहता है तो उसमें 8 LB तक लगा रहता है, और यहाँ पे स्कूटर में छोटा सा लगा रहता है। जैसे कि इस स्कूटर में जो साइज़ होना चाहिए वो होता है 5TZ। साइज वैरी करता है, उसके अलग अलग शेप पे डिपेंड करता है TZ LB। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बैटरी है ये इसका ओरिजिनल बैटरी नहीं है, ये छोटा बैटरी इसमें लगाया गया है, किसी ने पहले लगाया होगा तो पैसे बचाने के लिए इसमें ये जुगाड़ लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये छोटा बैटरी है और ये हिला नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे एक थर्मोकोल का यूज़ किया गया है। तो इस तरह के जुगाड़ को आप अप्लाई मत कीजिए। जो स्टैंडर्ड बैटरी आपके व्हीकल के लिए आता है, आपके स्कूटर, इसको आपके मोटरसाइकिल, आपके कार के लिए, वही आप इसमें यूज़ कीजिए। तो इसे अब रिप्लेस कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके टर्मिनल्स को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने इस निगेटिव टर्मिनल को ओपन कर लिया है, स्क्रू ड्राइवर रिंच जो भी आपको अच्छा लगे, और ज़्यादा टाइट नहीं है तो स्क्रू ड्राइवर से आप ही ओपन हो जाएगा। ये आपका निगेटिव ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव को भी आपको केयरफुली ओपन कर लेना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखिए ये भी बाहर आ गया, और बहुत ही केयरफुली आपको करना है, कुछ भी इसमें शॉर्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, 2 टर्मिनल है उसे बहुत ही केयरफुली आपको ओपन कर लेना है। ठीक है,
और यहाँ पे जो क्लैंप है जो कि इसे होल्ड किया हुआ है, इससे आपको ओपन कर लेना है। ये आ गया और यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। और ये देखिए जुगाड़, और ये आपका ओल्ड बैटरी बाहर आ जाएगा। और आप अपने ओनर्स मैनुअल में देख सकते हैं कि आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में कौन सा बैटरी लगेगा, उसी बैटरी को आप फिर से इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे ये सिंपली देखिए जो इसका बैटरी है, यहाँ पे वही बैटरी मैं लगा रहा हूँ जो इसमें रिकमेंडेड है। आराम से ये फिट हो गया है, बहुत ही इजीली, बहुत ही प्यार से, कोई भी जुगाड़ लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये अपने जगह पे आ गया है। और ये टर्मिनल्स अगर लगाने के पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा डर्टी है तो इसे सैंड पेपर से आप क्लीन कर लीजिए। कम्प्लीटली कार्बन फ्री होना चाहिए, इसे आप थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए। और जब ये अच्छे से क्लीन हो जाए, आप सेटिस्फाइड हो जाएं, तो इससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप निगेटिव को कनेक्ट कीजिए, निगेटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद पॉजिटिव। ये आप देखिए यहाँ पे लिखा रहता है, ये देखिए माइनस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है। और ये जो रेड है ये आपका हमेशा पॉजिटिव को डिनोट करता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये फिट हो गया है, इससे आप अच्छे से टाइट कर दें। और यहाँ पे ये देखिए निगेटिव में और पॉजिटिव का आपको ध्यान हमेशा रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए आपको ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव में मैंने पॉजिटिव जो रेड कलर का है उसे ऐड किया है, और यहाँ पे ग्रीन जो है ये निगेटिव में मैंने ऐड किया है। तो जब आप ओपन करेंगे उसी टाइम आपको निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना है कि कौन सा पॉजिटिव था, कौन सा निगेटिव था, कौन सा टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होगा, कौन सा टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होगा। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कलर से भी आपको पता चलेगा। और प्लस ये जो आपका निगेटिव वायर रहता है वो थोड़ा सा पतला रहता है कंपेयर टू पॉजिटिव वायर से। तो ये हमारा बैटरी इंस्टॉल्ड हो गया है, परफेक्टली काम कर रहा है। मैं इसे स्टार्ट करके देख लेता हूँ, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका बैटरी डिफेक्टिव है, ओल्ड है, तो आप उसे मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो जो मैंने आपको मेथड बताया है उससे भी आप को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये बैटरी डिफेक्टिव है और आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो सेम है हर एक व्हीकल के लिए। तो अगर आपने इसे देख लिया कि कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, तो बाकी कोई भी व्हीकल में आप खुद से इसे कर सकेंगे बिना किसी टेंशन के। तो और इस क्लैंप को हमने जैसे ओपन किया था एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में हम लोग इसे लगा देंगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। ये देखिए क्लैंप, अभी मैंने कोई इसमें जुगाड़ वाला बैटरी नहीं लगाया, तो ये क्लैंप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से आ जाएगा अपने जगह पे, इस बैटरी को सेटल कर लेगा। वही इसमें जब जुगाड़ लगा हुआ था तो यहाँ पे थर्मोकोल का यूज़ किया गया था जुगाड़ के लिए। तो ये देखिए ये अपने जगह पे आ जाएगा और ये हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, बहुत ही सिक्योर रहेगा। और बैटरी अगर सही से आप इंस्टॉल नहीं करते हैं, उसमें वाइब्रेशन होता है, तो उससे भी बैटरी का लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करता है, वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो बैटरी हमेशा अच्छे से इंस्टॉल कीजिए टाइट वे में, ताकि उसमें कोई भी वाइब्रेशन जर्क नहीं हो। कम्प्लीटली देखिए थोड़ा भी हिल डुल नहीं रहा, अपने बॉडी में कम्प्लीट अपने जगह पे आ गया है। वही अगर ये ढीला रहता, इधर उधर घूमता रहता, तो इसका लाइफ डिक्रीज़ होता है, वो भी एक टेंशन होता है। ये देखिए कितने अच्छे से अपने जगह पे है ये। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए,
ताकि जब भी मैं कोई रिपेयर रिलेटेड वीडियो, नॉलेज रिलेटेड वीडियो आपके लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड अ टास्क, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।